और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में 9 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी में 9 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। बीपी जोगदंड एडीजी महिला बाल सुरक्षा संगठन की जिम्मेदारी इनको दी गई है। इसके अलावा आरके स्वर्णकार कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। तो यूपी में कुल 9 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर ये सामने आ रही है, यूपी में 9 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। और इसी खबर पर स्टेट हेड वीरेन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेन जी, क्या जानकारी सामने आ रही है, बड़ा तबादला, 9 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए ये सीनियर आईपीएस अफसरों के तबादले हैं और ये बड़े तबादलों में की गिनती की जाएगी जी। क्योंकि कानपुर के कमिश्नर बीपी जोगदंड का अक्टूबर के महीने में रिटायरमेंट है और उसके पहले उनको अब यहाँ पर लखनऊ लाया गया है महिला बाल संगठन ने। उनकी नौकरी अब 1.5 महीने के लगभग बची हुई है। आरके स्वर्णकार को कानपुर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है और राजीव कृष्णा जो आगरा जोन में एडीजी थे अब उनको लखनऊ में लाया गया है और उनको विजिलेंस दिया गया है, सतर्कता अधिष्ठान के वो एडीजी होंगे और उनकी जगह पर अनुपमा कुलश्रेष्ठ जो यातायात एसपी जो एडीजी ट्रैफिक थी उनको आगरा जोन का नया एडीजी जोन बनाया गया है जी। तो ये काफी बड़े ट्रांसफर हैं। नवीन अरोड़ा जो एटीएस में थे, एडीजी थे, जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का काम करती है जो प्रदेश में, उनको अब टेक्निकल सर्विस का एडीजी बना दिया गया है। उनकी जगह पर मोहित अग्रवाल को नया एडीजी एटीएस बनाया गया है और सचिव वीडी पॉल्सन थे अभी तक सरकार में, उनको अब एडीजी ट्रैफिक बनाया गया है। वीडी पॉल्सन पिछले 2-3 सालों से सरकार में सचिव, गृह सचिव के पद पर तैनात थे तो उनको भी वहां से अब निकाल कर पुलिस मुख्यालय लाया गया है। तो ये जितने 9 ट्रांसफर हुए हैं ये सारे एडीजी और आईजी स्तर के लेवल के हैं और काफी बड़े तबादले हैं जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।